मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ, आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की हुई वार्ता, LAC पर नई चौकी न बनाने पर सहमति। भारत और चीन के बीच इस बात पर आपसी सहमति बनी है कि पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब दोनों देश कोई नई चौकी नहीं बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार दौलत बेग ओल्डी DBO और चुसूल में मेजर जनरल स्तर के मैराथन वार्ता में ये सहमति बनी। चर्चा में LAC पर दोनों देशों द्वारा सैनिक नहीं बढ़ाने की बात भी उठी। दोनों देशों का यह कदम दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संभावित मुलाकात को देखते हुए को अहम माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि दोनों देश ड्रोन से किसी भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से परहेज करने, गश्त की सीमाओं को परिभाषित करने, प्रत्येक के बारे में पूर्व सूचना का आदान प्रदान करने पर भी सहमत हुए हैं। LAC के किनारे मई 2020 में सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों की सेनाएं पेंगोत्सो, गोगरा और हार्ट स्प्रिंग क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हट गई हैं। हालांकि देपसांग मैदान और डेमचौक क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। देपसांग और डेमचौक के संबंध में दोनों पक्ष कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने में विफल रहे हैं। भारतीय पक्ष देपसांग पॉइंट और CNN जंक्शन पर सीमा मुद्दों को हल करने के लिए समाधान तलाश रहा है। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल PK मिश्रा और मेजर जनरल हरिहरन ने किया। सेना ने कहा कि बातचीत स्पष्ट और व्यवहारिक माहौल में हुई, दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख अपनाया। 14 अगस्त को भारतीय सेना और चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के बीच कोर कमांडर स्तर की 19वीं दौर की वार्ता हुई।